आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूं वो हमारा जो अगला कंपोनेंट है कॉइल। कॉइल तो हम लोग आज के वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कॉइल के बारे में सीखने वाले हैं कि कॉइल कैसा होता है, कैसा दिखता है, बोर्ड में कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग जो वीडियो के माध्यम से जो समझने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो हम लोग कॉइल के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको हार्डवेयर के टॉपिक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ। तो आपकी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि सर मैं जो आपका वीडियो देखा हुआ है, जो आपका वीडियो समझा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, मुझे बहुत सारी चीजें आपके माध्यम से हेल्प भी मिल रही है। मुझे भी आपके कमेंट का ही इंतजार रहता है, बड़ी खुशी मिलती है कि अगर आज हमने अगर आपको कोई वीडियो बना कर दिया है, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो दिया हुआ है, तो आपको समझ में आया है और आपको समझ में आता है तो हमको भी खुशी मिलती है कि सर आपको कोई चीज के बारे में समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग में कैसे ट्रेनिंग होता है, उसको सीखने का तरीका क्या है, उसका स्टेप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली रिपेयरिंग का कोर्स सिखाया जाता है। यहाँ पर ये जो कोर्स होता है हम लोग मात्र 45 दिन का कोर्स है, 45 दिन के अंदर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। पूरा फुल्ली हम आपको चिप लेवल के बारे में, सब चीजों के बारे में अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं और आपको सिखाते हुए भेजते हैं। ऐसा कोई मोबाइल फोन जो दुनिया जान लो आपके पास रिपेयर होने के लिए आए, आपसे रिपेयर ना हो, ताकि आप रिपेयर करके बहुत अच्छी तरीके से काम कर सके और अच्छी तरीके से सक्सेसफुली वर्क कर सके। अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऐसी अगर आप पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर अपना कानपुर स्टेशन के नियर 300 मीटर दूरी पर समथिंग है, सागर मार्केट वहीं पर अपना पड़ता है, जहां पर आकर के आप सीख सकते हैं, यहां पर प्रोफेसर रोशन की सारी सुविधा आपको मिल जाती है। तो चलिए हम लोग आगे अपने वीडियो को चलते हैं कि ये हम लोग कॉइल के बारे में समझेंगे कि कॉइल जो कंपोनेंट लगा होता है वो कैसा दिखता है, कैसे पहचाना जाता है, उसको पहचानने का तरीका क्या है, उसको चेक करने का तरीका क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको वीडियो आपको देने वाला हूं। तो कॉइल हमारे जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में कॉइल फिलहाल लगा होता है, मोस्टली सारे फोन में कॉइल आता है। मैं आपको कॉइल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में आपको समझाता हूं। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को पास करता है। कॉइल हमारा क्या होता है, कॉइल हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को पास करता है। इसका काम क्या होता है, मोबाइल फोन में करंट को पास करना, सप्लाई को पास करना। तो कॉइल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को पास करता है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन में कॉइल लगा होता है। अगर कॉइल खराब हो जाएगा तो आपका मोबाइल फोन ऑन नहीं होगा, मोबाइल फोन चालू नहीं होगा, मोबाइल फोन वर्किंग नहीं करेगा। तो कॉइल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को पास करता है। इसका काम क्या होता है, मोबाइल फोन में करंट को पास करना, करंट को आगे की तरफ भेजना, सप्लाई को पास करना। अब बात करते हैं इसका रियल शेप होता है, ये दिखने में कैसा होता है। रियल शेप का मतलब होता है आकार यानी आकृति। अगर आप कॉइल की देखने की बात करेंगे तो कॉइल जो होता है साइड में सिल्वर होता है। साइड में इसके जो दोनों पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, सिल्वर होते हैं, और इसकी जो बॉडी होती है वो पूरी ब्लैक कलर की होती है। साइड में दोनों पॉइंट सिल्वर होते हैं, बीच में जो बॉडी होती है वो हमारी ब्लैक कलर की होती है। या तो कॉइल जो पाया जाता है दो कलर का भी पाया जाता है। दो कलर का मतलब होता है आधा कलर इसका जैसे व्हाइट होता है, और आधा कलर जो आपका पाया जाता है वो ब्लू कलर का पाया जाता है। तो मतलब एनी टू कलर, एनी दो कलर कोई भी हो सकते हैं, ब्लैक कलर का भी होता है, टू कलर का होता है। या तो कॉइल आपकी राउंड शेप में होती है, मतलब बिल्कुल गोल होती है, डॉट लगा होता है। इस कॉइल को हम लोग नॉर्मल कॉइल भी कहते हैं,
इसको हम लोग टू कलर कॉइल कहते हैं। इसको हम लोग राउंड कॉइल, बूस्ट कॉइल कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा रियल शेप जो होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल कॉइल बोलते हैं। एक हमारी टू कलर की कॉइल होती है जिसमें दो कलर पाए जाते हैं, एक हमारी राउंड कॉइल होती है जिसको हम लोग बूस्ट कॉइल भी कहते हैं। तो ये हमारी जो कॉइल होती है, जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में लगी होती है। कॉइल का काम होता है मोबाइल फोन में सप्लाई को पास करना, सप्लाई को आगे की तरफ पास करना। अब हम लोग बात करेंगे इसका डिनोटिंग लेकर। कॉइल का डिनोटिंग लेटर, कॉइल का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है हमारा एल सिंबल। सिंबल का मतलब होता है निशान। कॉइल का जो निशान होता है इस तरीके से, ऐसे स्प्रिंग जैसा निशान होता है। कॉइल का डिनोटिंग लेटर क्या होता है? एल। सिंबल होता है ऐसा स्प्रिंग जैसा निशान होता है। इसका वर्क होता है सप्लाई पास करना। इसका काम क्या होता है? सप्लाई को पास करना। इसका और भी एक काम होता है, फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना। मतलब आवृत्ति को फिल्टर करना, मतलब करंट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, उसको क्या काम करता है? ये फिल्टर करता है। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग। अगर कॉइल की हम लोग टेस्टिंग की बात करेंगे, कॉइल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। कॉइल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर बीप साउंड दे। कॉइल का जब आप चेक करेंगे तो कॉइल चेक करने पर बीप साउंड दे तो ओके है। फॉल्टी, बीप ना दे तो खराब। कॉइल को हम लोग चेक करेंगे, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर बीप साउंड दे तो ओके। कॉइल को जो हमारा चेक करने का जो पर्पज है, कॉइल को जो हम लोग चेक करेंगे, कॉइल को जो हम लोग टेस्टिंग करेंगे, तो कॉइल को चेक करने का तरीका यही है कि अगर आप उसे चेक करेंगे और वो बीप साउंड देता है, चेक करने पर क्या देता है? बीप साउंड देता है, तो हमारा कॉइल सही है। बीप साउंड नहीं देता तो हमारा कॉइल क्या खराब है। तो ये मैंने आपको बताया कि कॉइल को हमारा चेक करने का तरीका क्या है, कॉइल को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो इसका जो टेस्टिंग होता है, चेक कैसे करेंगे, देखिए जरा मैं फिर से बताता हूँ। कॉइल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को पास करता है। इसका काम क्या होता है मोबाइल फोन में सप्लाई को पास करना, करंट को पास करना। रियल से साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, जिसे हम लोग नॉर्मल कॉइल कहते हैं। इसे टू कलर कॉइल भी कहते हैं, या इसको बूस्ट कॉइल, राउंड कॉइल, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। इसका डिनोटिंग लेटर जो होता है, इसका डिनोटिंग लेटर हमारा एल होता है। इसका सिंबल होता है स्प्रिंग जैसा, इसका निशान बना होता है, तो स्प्रिंग जैसा इसका शेप होता है। अब बात करते हैं काम, इसको वर्क जो होता है सप्लाई को पास करना है। इसका काम क्या होता है मोबाइल फोन में सप्लाई को पास करना, कि आप किसी भी कॉइल को जब आप चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो चेक करने पर अगर ये सप्लाई को आगे पास करेगा तो हमारा कॉइल सही है, इसका वर्किंग है। मल्टीमीटर से जब आप चेक करेंगे तो चेक करने पर बीप देता है, दोनों पॉइंटों को या दोनों टर्मिनल को जब चेक करेंगे तो चेक करने पर बीप देता है तो हमारा सही है, और बीप नहीं देता है तो कॉइल हमारा खराब है। तो ये दोस्तों आज के टॉपिक में मैंने आपको कॉइल के बारे में समझाया हुआ है। चलिए मैं आपको गूगल के माध्यम से इसके फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाता हूं, जो आप लोग भी देख सकते हैं आप अपने सिस्टम में। हम लोग अपने गूगल पे जाएंगे,
मोबाइल फोन। अब देखिए जब आप इसकी फोटो में देखेंगे तो कॉइल आपकी इस तरीके से दिखती है। ये जितने मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन ऐसे कॉइल दिखती है। देखिए मैं आपको एक फोटो खोल के दिखाता हूं। ये आपके बोर्ड में इस तरीके से इसका व्यू होता है, ये कॉइल होती है। तो जब इनको चेक करेंगे तो ये दिख रही है, इनको हम लोग कॉइल कहते हैं। ये देखिए ये आपकी जो फोटो दिख रही है, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये सारी आपकी कॉइल है। कॉइल अगर खराब हो जाती है तो हमारे मोबाइल फोन में सप्लाई आगे नहीं जाती। कॉइल का काम होता है सप्लाई को आगे की तरफ पास करना। इसको जब आप चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा। अगर बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता तो हमारा कॉइल क्या है, खराब है। हम लोग जरा इसको मदरबोर्ड में देखेंगे, पीसीबी में गारंटी बोर्ड में देखेंगे, गारंटी करेंगे इसको। हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड के बारे में मैं आपको कॉइल को दिखा रहा हूँ। ये जैसे बोर्ड है, अब इस बोर्ड में हम लोग पहचानेंगे कॉइल हमारी कहाँ पर है। देखिए अगर आप देखेंगे आपके बोर्ड में जैसे ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये कॉइल है। अब कह अब आप ये भी कह सकते हो कि सर ये तुम्हारा रजिस्टर भी हो सकता है। बिल्कुल रजिस्टर हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो रजिस्टर होता है ये छोटा होता है लेकिन कॉइल कैसा होता है, मोटा होता है। इसको जब आप पीसीबी में देखेंगे तो पीसीबी में आपको कैसा दिखाई देगा, मोटा मोटा दिखाई देगा। तो जो मोटा होता है ये हमारा क्या होता है, कॉइल होता है। उसके बाद ये देखिए, ये जब आप बोर्ड में देखेंगे, मैं एक एक करके चलो आपको हाईलाइट भी कर देता हूं। ये जो आपके लगी इनको हम लोग बोलते हैं बूस्ट कॉइल, बक कॉइल, ये लगी है। और ये जो लगी होती है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्मल कॉइल। तो ये हमारी जो लगी इनको हम लोग बोलते हैं कॉइल। तो इसका टेस्टिंग होता है, इसके दोनों टर्मिनल को जब आप चेक करते हैं तो दोनों टर्मिनल चेक करने पर अगर बीप देते हैं तो सही है, अगर बीप नहीं देते हैं तो हमारे क्या है, खराब है। ये हमारे इसका चेक करने का तरीका है। हम लोग इसके माध्यम से हम लोग कॉइल को चेक कर सकते हैं, कॉइल की टेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए मैं एंड्रॉइड बोर्ड में आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एंड्रॉइड बोर्ड है, एंड्रॉइड बोर्ड में हम लोग देखेंगे जैसे ब्लैक कलर लगी ये हमारी कॉइल है, और अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारी टू कलर कॉइल है। इसमें दो कलर कॉइल लगी होती है। ये दो कलर कॉइल जो होती है ज्यादातर मोबाइल फोन में नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है। ब्लैक कलर की जो कॉइल होती है मोबाइल फोन में सप्लाई आसपास करने का काम करती है, ट्रैक को जोड़ने का काम करती है। और जो बक कॉइल या बूस्ट कॉइल होती है वो सप्लाई को फिल्टर करके किसी दूसरे आईसी को देने का काम करती है, किसी आईसी का इनपुट आउटपुट करने का काम करती है। तो ये हमारी जितने भी लगी होती है ये सारी हमारी टू कलर कॉइल है। इस टू कलर कॉइल के माध्यम से हम लोग ये भी पहचान सकते हैं कि ये हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क सेक्शन है, नेटवर्क सर्किट है। जैसे ये लगी ये आपकी कॉइल है, ये आपकी कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये भी आपकी कॉइल है। तो ये हमारे बोर्ड के अंदर जैसे ब्लैक कलर की लगी है ये भी हमारी कॉइल है। अब अगर देखेंगे तो रजिस्टर छोटा होता है, कॉइल कैसा होता है, बड़ा होता है। फर्क कैसा होता है, जैसे हमारे उंगली अंगूठा छोटा मोटा, तो उसी तरीके से क्या है, ये छोटी होती है और ये कैसी होती है, मोटा। तो ये कॉइल का टेस्टिंग होता है। कॉइल को जब आप चेक करेंगे तो चेक करने पर बीप देता है। अगर आप इसके दोनों टर्मिनल को चेक करेंगे तो बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता तो खराब। अब देखिए काम कैसे करता है, मैं थोड़ा सा वो भी आपको आइडिया बता देता हूँ, समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। कि जैसे मान लिया आपका ये सप्लाई ट्रैक है, ये सप्लाई ट्रैक से मान लिया यहाँ पर इंजन की लाइन है और इंजन की लाइन यहाँ से आएगी, सबसे पहले कॉइल पे जाएगी, फिर कॉइल से होता हुआ इसी के अंदर से लिया। इसी तरीके से दूसरा सर्किट है, इसका भी लाइन आएगा कॉइल पे जाएगा, कॉइल जो होती है मोबाइल फोन में सप्लाई को आस पास करने का काम करती है। ये हमारी जो आईसी लगी है ये आईसी यहाँ से करंट निकालेगी, फिर कॉइल के माध्यम से होते हुए करंट यहाँ पर चला जाएगा और पत्ते के द्वारा दूसरे तरफ चला जाएगा और हमारे मोबाइल फोन में रिंगर पर सप्लाई पहुंच जाएगी, हमारा रिंगर काम करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए सीरीज की पोजिशन में लगी है। इनका टेस्टिंग करेंगे, चेक करने पर अगर बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो हमारा खराब है।
दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है अगर कॉइल खराब हो जाती है तो हम लोग इसको हटा कर फेंक देते हैं, पैसे जम्पर मार देते हैं, बस लाइन हमारा चालू हो जाता है, सप्लाई हमारा जुड़ जाता है, काम हो जाता है। लेकिन ऐसा फिलहाल सारी कॉइलों में नहीं होता, लेकिन जो छोटी नॉर्मल कॉइल आती है उनमें आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं कि हम लोग मदरबोर्ड में कैसे चेक करेंगे, पीसीबी में कैसे चेक करेंगे, बोर्ड में कैसे चेक करेंगे। इस चीज के लिए मैं आपको मल्टीमीटर के माध्यम से इसको टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। जैसे ये मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ये हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट पर सेट कर लेंगे। बी पॉइंट पर सेट करने के बाद जब आप इसको चेक करेंगे, कॉइल का टेस्टिंग होता है, अगर बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता है तो खराब है। ये देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉइल को चेक करेंगे। ये देखिए हमारा जो लगा हुआ है इसे हम लोग कॉइल बोलते हैं, इसको चेक करेंगे। चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा, बीप दे रहा है हमारा सही है, बीप नहीं दे रहा है हमारा खराब है। ये बीप दे रहा है हमारा सही है। ये जो बूस्ट कॉइल होती है इसको चेक करेंगे, इसके नीचे से चेक करेंगे, इसके साइड के पॉइंटों में चेक करेंगे, ऐसे बीप दे रहा है। बीप देने का मतलब क्या है, हमारा कॉइल सही है, अगर बीप नहीं देगा तो हमारा कॉइल खराब है। हम दूसरे किसी बोर्ड में चेक करते हैं, जैसे ये हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट के अंदर आप देखेंगे तो ये कॉइल लगी है, ये कॉइल चार्जिंग सेक्शन में लगी है। अगर ये कॉइल खराब हो जाएगी तो चार्जिंग से सप्लाई जो होती है यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पर जाएगी और लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो हम लोग कॉइल को चेक करेंगे, कॉइल चेक करने पर बीप दे रहा है, तो बीप देने का मतलब क्या, हमारा कॉइल सही है, अगर बीप नहीं देगा तो हमारा कॉइल क्या है, खराब है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको कॉइल के बारे में बताया कि कॉइल को आप मल्टीमीटर के माध्यम से कैसे चेक करेंगे। जो भी सारे बोर्ड होते हैं, सारे बोर्डों में कॉइल को चेक कैसे किया जाएगा, चेक करने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा और सारी चीज़ों के बारे में आपको दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो को वॉच करें। जब वॉच करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा और अच्छे से आपको क्लियरिटी भी होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो कॉइल लगी होती है उस कॉइल को हम लोग मल्टीमीटर के माध्यम से कैसे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वीडियो को समझाया। तो आज आपकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में आपको क्या समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे हमारे कमेंट पर मैसेज जरूर करें। और अगर आपको कोई भी चीज से संबंधित कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से ठीक करके आप समझ सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, उस पर संपर्क करें, कॉल करें। अगर आप ट्रेनिंग संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके बारे में समझ सकते हैं। मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे सीखा जा सकता है, कितना टाइम लगता है, ऐसे अगर बहुत सारे दिमाग में कोई डाउट कोई क्वेश्चन होते हैं तब भी आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो सब चीजों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, या कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझ में आती रहे, कोई भी प्रॉब्लम आती तो जरूर शेयर करें आप। तो दोस्तों आज मैंने आपको वीडियो जो मैंने आपको दिया है वो कॉइल के बारे में दिया है। तो कॉइल आपको कैसे समझ में आया, या कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कोई समझने में दिक्कत कोई सीखने में दिक्कत। दूसरी बात क्या है, ये जो मैं आपको वीडियो देता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो वीडियो देता हूँ, ये वीडियो अगर जब आपको समझ में आ रही है तो आप लोग अपना कॉपी पेन रखिए, आप इस वीडियो को नोट करिए, अच्छे से समझिए कि सर आपको जो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, सर आपको जो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं, तो अगर आप उनको नोट करेंगे ना थोड़ा सा सर अगर आप अपने लिए समय निकालेंगे मैं कहता हूँ तो आपको सीखने में बड़ा मजा आएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर आप अगर घर पे ऐसे ही यूं ही काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत 1,500 रुपए खर्च करिए, कुछ टूल्स आता है उस टूल को खरीद डालिए। जब टूल को खरीदेंगे तो आप अपने घर पे काम करेंगे, जब काम करेंगे तो जो चीज सीखेंगे तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको जिंदगी में अच्छा अनुभव तभी मिलता है जब हम अपनी लाइफ में किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, हमको समझ में भी आता है, हमको उसका तरीका भी समझ में आता है। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको कॉइल के बारे में आपको वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है। आज मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक हमारे पास एक फतेहपुर के रहने वाले हैं, मैं वीडियो अगर आपको इसमें वीडियो को अपलोड भी करूंगा, और वो जो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे वो फतेहपुर के रहने वाले हैं, और वो दोनों पैर से हैंडीकैप थे, मतलब दोनों पैर से हैंडीकैप बड़ी मुश्किल से आए। और उन्होंने जैसी जैसी परेशानी, मुझे 2 महीने हो गया 3 महीने हो गया 4 महीने हो गए उनसे बात करते करते, जैसा कि उन्होंने परेशानी बताया तो परेशानी को मैंने भी लाइफ में अपना अनुभव किया, मैंने देखा उनकी परेशानी को लेकर के, तो वाकई में सब जी बहुत बहुत बड़ी बात है।
मैंने उनको वीडियो के माध्यम से जब मेरी उनसे फोन से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि सर मैं आशीष बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा आशीष बोलो, नहीं आशीष आशीष तो उनके जिन्होंने भेजा था उनका आशीष नाम था, उनका मोहित नाम था, रोहित रोहित नाम था। तो वो जब मेरे पास आए तो मुझसे कहते हैं कि पहले काफी टाइम 3-4 महीने हो गया उनसे बात होते होते, उन्होंने मुझसे बोला कि सर मुझे मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना है, तो मैंने कहा बिल्कुल आप आगे सीख सकते हैं, कहते सर मैं रोहित बोल रहा हूँ और मुझे आपके बारे में एक आशीष करके हमारे सर हैं उन्होंने हमको आपके बारे में बताया है। तो हमने कहा क्या आपको बताया हुआ, कहते सर उन्होंने बताया कि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सिखाते हैं, हमको भी काम सीखना है और मैं आपसे कुछ परेशानी है जो मेरे साथ में जो परेशानी है उस परेशानी को मैं आपके साथ में बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ भाई क्या परेशानी है, जो मेरे से होगा था मैं सबकी मदद करता हूँ, जो मेरे से हो सकता है मैं आपकी भी मदद करूंगा। तो उन्होंने बोला कि सर मैं पहली बार तो मुझे छोटी सी पेंशन मिलती गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उसी पर अपने लाइफ को काट रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ में मैंने ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई किया, मैंने ITI भी किया, लेकिन बाद में जब मैं कहीं काम के लिए जाता हूँ, कहीं नौकरी के लिए जाता हूँ, किसी चीज के लिए जाता हूँ तो मुझे काम नहीं मिलता और मेरी काफी एज भी हो चुकी है। दूसरी बात क्या है कि मेरे साथ में सबसे बड़ा ट्रेजेडी है कि मेरा थोड़ा हाथ एक तो वीक है ही, बाकी एक हाथ तो मजबूत है मेरा, राइट हैंड मजबूत है, लेकिन मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा सा हल्का सा वीक है। दूसरी बात क्या, मैं दोनों पैर से अच्छा नहीं हूं कि मतलब चल फिर नहीं सकता, बस खाली ऐसे ही चलता हूं। तो फिर उन्होंने जब मुझे ऐसा बताया तो मैंने कहा ठीक है सर आप आइए, तो जो भी हो सकता है, तो मैंने सर आप मेरे फीस में से जो भी 1000-2000 रुपए जो मेरे लिए मदद कर सकते हो तो मेरे लिए मदद करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, जो भी मेरे से हो सकता है मैं आपके लिए मदद करूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मैं तो छोड़ो दुनिया जान में सभी लोगों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ में ऐसा कभी हो, लेकिन अगर किसी के साथ में ऐसा है तो आप किसी भी लाइफ में अगर कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए जरूर मदद करें ताकि उन लोगों को कभी कोई परेशानी ना आए। मैंने उनको एक बात बोली कि आदमी जिंदगी में कभी भी कोई भी आदमी होता है वो जिंदगी में शरीर से विकलांग नहीं होता, बस वो मन से विकलांग नहीं होना चाहिए। अगर वो मन से विकलांग है तो शरीर से विकलांग से भी ज्यादा बेहतर है, वो स्वस्थ आदमी भी बेकार है। तो उनको बात बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने मुझे फोन करने के बाद आज खुद ही 2-3 महीने बाद अपने मन से आए, उन्होंने बताया। जब मेरे पास जानकारी ली, इंक्वायरी ली, मैंने उनको देखा कि मैंने खुद महसूस किया कि सर कितना परेशानी से आए, इतना परेशानी से आने के बावजूद उन्होंने जानकारी ली और बोले कि सर मैं कल से ही क्लास स्टार्ट करूंगा, कल से उनका बैच है, कल से क्लास स्टार्ट करेंगे। और वो कह रहे हैं कि सर जी मुझे आपके बारे में एक हमारे आशीष करके सर हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया है और उन्होंने हमसे पैसा नहीं लिया, मात्र सर जी थोड़ा बहुत पैसा ले लेते थे, बाकी हमको फीस नहीं लेते थे, उन्होंने हमको पढ़ाया है और वो भी सर 5-7, 7-8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो उन्होंने जब आपसे मिले तो उन्होंने बताया कि मैं सर के पास गया, मेरा 4000-5000-6000-8000 में पढ़ाने का काम करता था, उससे मेरा कोई गुजारा नहीं होता था और उन्होंने अब मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख करके अपना बिजनेस करेंगे, जिसमें क्योंकि आदमी आजकल के तौर पर अगर हाई स्कूल इंटर में कहीं स्कूल में पढ़ाने जाता है तो उसको 4-5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। दूसरी बात क्या है कि उसको अगर कोचिंग पढ़ाता तो उसको 5-10 हजार रुपए मिलता है, तो पूरा दिन अगर मेहनत करता है तो उसको 8-10-12 हजार-15 हजार रुपए कमाता है, ऊपर से बीच में छुट्टी हो जाती है, बच्चे नहीं मिलते, तो ऐसी बहुत सारी परेशानी आती थी, जिसका 7-8 हजार रुपए की एवरेज निकल के आता है। लेकिन उन्होंने इसलिए काम सीखा कि मेरा सर स्थाई काम हो जाएगा, मैं पढ़ाने का काम अगर करता भी रहूंगा तब भी मेरा एक स्थाई काम हो जाएगा कि मैं 1500 रुपए की इनकम को जनरेट कर सकता हूँ। आजकल के समय पर जो आदमी 20-25-30 हजार रुपए नहीं कमाता तो मुझे लगता है कि उसके आगे चल के फ्यूचर उसके लिए बड़े परेशान होने वाली बात है। तो उन्होंने मेरे पास जब सीखा तो उन्होंने फिर इनको बताया, रोहित जी को बताया, तो ये आए मेरे पास बड़ा उम्मीद लेकर के आए। तो आज मैं आपको कहना भी चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, वो हैंडीकैप थे तो मैंने उनको अगर दोनों पैसे जब मैंने उनको देखा ऐसी प्रॉब्लम ऐसी परेशानी, उनके पास पैसे भी नहीं थे, वो सर उन्होंने इतना भी बोला कि सर मेरे पास जहर खाने तक के पैसे नहीं है, मैं खाने का भी कैसे जुटा पाता हूँ, मेरी फैमिली भी मेरा साथ नहीं दे रही है, फैमिली भी कहती है जाओ भैया मैंने तुमको पढ़ा लिखा दिया सब कुछ कर दिया, तुम अपना अपने हिसाब से देखो। तो मुझे बड़ा खराब लगा, हमें भी लगा कि चलो ऐसे लोगों की जरूर मदद करनी चाहिए। तो मैंने सर उनके लिए फीस के लिए मैंने बहुत मैंने रियायत करी, ऐसा रियायत करी बिल्कुल ना के बराबर, ताकि वो आए मेरे पास सीख करके अच्छी तरीके से खड़े हो जाए। हमने बोला कि आप अच्छी तरीके से सीख करके खड़े हो जाओगे मेरे लिए बस वही फीस होगी। और हमारे बैच में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी ये बोला कि ठीक है आप कोई परेशान मत होइए, कोई टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत मत करिए और हम आपके साथ हैं, आप सीख करके अच्छा खड़े होंगे, अच्छा काम करेंगे तो हम भी आपके साथ हैं। तो सारे बच्चों ने उनसे प्रॉमिस किया
कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो, आपको सीखने में जो भी मेरे से मदद होगी, अगर कोई आपको अगर नहीं मैं पैसे से मदद कर सकता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर उस क्लास में बैठे हैं, अगर आपका कहीं कॉपी पेन बस्ता कहीं दूर रखा हुआ है, कोई टूल किट आपका रखा हुआ है, टूल किट नहीं उठा पा रहे हैं, पानी पिलाना है, तो ऐसा कुछ भी काम है तो जो मेरे से होगा मैं आपके लिए करूंगा और आप अच्छा सीख करके जाएंगे। और सबने उनको बोला तो उनको खुद आंसू आ गए, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो लेकिन उनको एक संतुष्टि मिली, उनको संतुष्टि ये मिली कि मैं सर के पास जिस उम्मीद के साथ में आया था, मुझे इन्वायरमेंट को देख करके, माहौल को देख करके उससे भी 10 गुना ज्यादा मिला, ताकि मैं मुझे लगा कि मैं सीख करके जरूर जाऊंगा। तो मैं उनका भी वीडियो आपको कभी ना कभी डालूंगा, जब मेरे पास क्लास करेंगे तो उनका भी वीडियो आपको डालूंगा, आप देखेंगे। और मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप शरीर से विकलांग है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जिंदगी में मन से विकलांग ना हो, क्योंकि अगर मन से विकलांग है तो आपको चलना बड़ा जिंदगी में मुश्किल है। और हमारी तरफ से एक ही कोशिश रहती है, हमारे ईटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से यही कोशिश रहती है, मेरी तरफ से हमेशा ऑब्जर्वेशन यही रहता है कि आप सीख करके अच्छे तरीके से काम करें, अपना बिजनेस करें, खड़ा करें, खड़े हो जाएं। क्योंकि मेरा सारी जिंदगी में एक ही मानना है कि कोई भी आदमी है, दो तरीके से जिंदगी में दो तरह के आदमी विकलांग होते हैं, एक तो शरीर से विकलांग होते हैं, दूसरे अपने काम काज को लेकर के विकलांग होते हैं, क्योंकि वो इतना पढ़ लिख जाते हैं, सब कुछ होते हैं, स्वस्थ होते हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिलता, उनको रोजगार नहीं मिलता। आज उनके बेरोजगारी को जैसे परेशानियों को झेलना पड़ता है, तो मजबूत होने के बाद भी आज वो कहीं उनको दो पैसे का सहारा नहीं होता। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूँ कि वो लोग अपना ऐसा छोटा सा टेक्निकली कोर्स है, वो कोर्स सीखने के बाद आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कहीं जॉब कर सकते हैं, फील्ड में काम कर सकते हैं, और कभी भी आप बेकार नहीं रहेंगे। क्योंकि जिंदगी में वही आदमी सक्सेसफुल होता है जिसके हाथ में हुनर है, या तो जिसके पास बहुत पैसा है, या तो जिसके साथ में हुनर है। अगर किसी के हाथ में साथ में हुनर है तो कभी आदमी जिंदगी में बेरोजगार नहीं रह सकता। बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने कहा है कि एक बार पढ़ा हुआ आदमी एक बार के लिए फेल हो सकता है, लेकिन एक कढ़ा हुआ आदमी जिंदगी में कभी नहीं फेल हो सकता। तो अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होकर के काम करेंगे और अच्छी तरीके काम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों। Yeah.